राजस्थान के चुनावी रण के नतीजों में बाड़मेर की 6 सीटों पर जहां कांग्रेस ने परचम लहराया तो भाजपा का कमल एकमात्र सिवाना में ही खिल पाया। बायतू और सिव में तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी ने ताल ठोकी तो चौहटन और सिवाना में भी आरएलपी ने दमखम दिखाते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी दस्तक की सुगबुगाहट पेश कर दी। जिले की 7 सीटों पर चुनावी गणित की खास खबर। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना के बाद साफ हुई तस्वीर में 6 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी तो भाजपा का कमल एकमात्र सिवाना में ही खिल पाया। चुनावी नतीजों पर बैठे आंकड़ों पर गौर करें तो बाड़मेर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन ने 97,874 मत प्राप्त किए तो बीजेपी के दिग्गज व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी अपने बड़े राजनीतिक कद के बावजूद 64,827 मतों पर सिमट गए। SC/ST एकता मंच से दलित स्वाभिमान के नाम पर लड़ाई लड़कर कांग्रेस व मेवाराम जैन को पराजित करने के गणित में जुटे निर्दलीय डॉक्टर राहुल बामणिया SC/ST की वोट बैंक के मतों से वंचित रहे और बड़े बड़े दावों के बाद महज 13,678 वोटों पर सिमट गए। बायतू में आरएलपी ने धमाकेदार दस्तक देते हुए 19 राउंड तक कांग्रेस व बीजेपी को दूसरे व तीसरे नंबर पर धकेले रखा। 20वें राउंड में पाटोदी क्षेत्र की EVM ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी को बढ़त दिलाकर अतः 13,803 मतों से विजयी बना दिया। बायतू में जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही तो बसपा ने भी खूब वोट बटोरने के सबको चौंका दिया। बायतू में विजयी कांग्रेस प्रत्याशी को 57,703 मत तो RLP को 43,900 और बीजेपी को 39,392 और बसपा को 27,677 वोट मिले। विधानसभा सीट में जहां आरंभिक राउंडों में बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी तो RLP ने 50,000 मत लेकर अपनी ताबड़तोड़ उपस्थिति दर्ज करवाई। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान 23,574 मतों से विजयी हुए तो कांग्रेस को कुल 84,378 मत, बीजेपी को 60,784 और दलित जाट गठबंधन के RLP प्रत्याशी को 50,944 मत मिले। सिवाना विधानसभा के एकमात्र सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हमीर सिंह भायल महज 957 वोटों से विजयी रहे और इस सीट ने बीजेपी की जिले में नाक बचाई। आरंभिक राउंड में यहां भी RLP प्रत्याशी ने धमाका मचाया मगर धीरे धीरे निर्दलीय बालाराम और हमीर सिंह टक्कर में आ गए। कांग्रेस के बागी बालाराम की वजह से कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही। सिवाना में बीजेपी को 50,657, निर्दलीय बालाराम को 49,700 और कांग्रेस को 20,145 और RLP को 19,124 मत मिले। पचपदरा में हुए नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस से मदन प्रजापत 2,395 मतों से विजयी रहे। यहां कांग्रेस को 69,393 मत और बीजेपी को 66,998 तो RLP ने भी 6,882 वोट लेकर बीजेपी प्रत्याशी का गणित बिगाड़ा। गुड़ामालानी में सीधी टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी हेमाराम चौधरी 13,564 मतों से विजयी रहे। यहां कांग्रेस को 94,433 मत तो बीजेपी को 79,869 मत मिले। चौहटन विधानसभा में कांग्रेस के पद्माराम 4,262 वोटों से विजयी रहे। यहां कांग्रेस को 83,601, बीजेपी को 79,339 और RLP ने 24,036 वोट लेकर बीजेपी प्रत्याशी की गणित बिगाड़ रखी थी। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर नोट की बात करें तो नोटा के कुल 19,340 मत मिले। वहीं कर्मचारियों के डाक मतपत्रों में भी सत्ताधारी बीजेपी के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी झलकती दिखी। डाक मतपत्रों में भी कांग्रेस आगे रही। इन सब के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी RLP ने शिव में 50,944, चौटन में 24,036 और सिवाना में 19,124 मत लेकर आगामी लोकसभा चुनावों में देश में सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों में RLP की दावेदारी भी सुगबुगाहट अभी से ही पेश करनी शुरू कर दी है। शिव प्रकाश सोनी की खास रिपोर्ट।